Don't forget to click on bell icon to get all latest updates. बॉलीवुड फिल्मों में कई एक्टर और एक्ट्रेसेस ऐसे हैं जिन्होंने अपने भाई बहनों के बाद फिल्मों में एंट्री मारी है। जब एक ही इंडस्ट्री में परिवार के दो सदस्य नजर आएंगे तो आपस में तुलना होनी भी जाहिर है, मगर जरूरी नहीं कि जो एक्टर फेमस हो उनके भाई बहन भी कामयाबी हासिल कर पाए। आइए देखते हैं कुछ ऐसी भाई बहनों की जोड़ी, यहाँ एक हिट रहा तो दूसरा फ्लॉप। काजोल तनीषा। बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक काजोल ने 1992 में फिल्म बेखुदी से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, जिसके बाद साल 1993 में आई उनकी दूसरी फिल्म बाजीगर एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। काजोल की एक्टिंग स्किल्स के कारण वो कई बेहतरीन हिट फिल्मों का हिस्सा रह चुकी है। बात करें उनकी बहन तनीषा मुखर्जी की, तो तनीषा मुखर्जी ने पहली बार बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्म नीलन निकी से साल 2005 में किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक बड़ी ही फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद भी तनीषा कई फिल्मों में नजर आई लेकिन उनकी फिल्में कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। शिल्पा शेट्टी, शमिता शेट्टी। 1993 में आई फिल्म बाजीगर से शिल्पा शेट्टी ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग रोल अवार्ड से नवाजा गया था। इस फिल्म के बाद शिल्पा ने बॉलीवुड में कई हिट फिल्में दी। वहीं शमिता शेट्टी ने साल 2000 में मल्टी स्टारर फिल्म मोहब्बतें से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई थी। शमिता ने इसके बाद मल्टी स्टारर कई फिल्मों में बतौर सपोर्टिंग रोल काम किया, लेकिन उनकी एक्टिंग को भी कभी सराहना नहीं मिल पाई। मलाइका अरोरा, अमृता अरोरा। मलाइका अरोरा ने कई सारे एड और म्यूजिक एल्बम से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। भले ही वो अपनी फिल्मों के लिए कभी नहीं पहचानी गई, लेकिन उनके आइटम सॉन्ग ने उन्हें बहुत ही पहचान दिलाई। वहीं अमृता अरोरा ने साल 2002 में कितने पास कितने दूर फिल्म से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था, लेकिन उन्हें कुछ पहचान नहीं मिल पाई। सलमान खान, सोहेल खान और अरबाज खान। जब बात हो इंडस्ट्री के भाई बहनों की, तो इस तिकड़ी को कैसे भूला जा सकता है। सलमान खान ने साल 1988 में आई फिल्म बीवी हो तो ऐसी से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म में सलमान का सपोर्टिंग रोल था, जिसके बाद उन्होंने 1989 में मैंने प्यार किया फिल्म की। ये फिल्म एक जबरदस्त हिट साबित हुई, जिसके बाद सलमान काफी पॉपुलर हो गए। वहीं सलमान के भाई अरबाज खान ने भी साल 1996 में फिल्म दरार से बॉलीवुड में एंट्री की थी। अरबाज कई फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन उन्हें वो पॉपुलैरिटी कभी हासिल नहीं हो पाई जो उनके भाई सलमान को हुई। वहीं छोटे भाई सोहेल खान ने भी साल 2002 में फिल्म मैंने दिल तुझको दिया से बॉलीवुड में कदम रखा था, लेकिन वो भी कुछ कामयाब नहीं हो पाए। आमिर खान, फैजल खान। बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक आमिर खान ने अपनी फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग से खूब पॉपुलैरिटी हासिल की है। वहीं बात करें उनके भाई फैजल की, तो फैजल कुछ ही फिल्मों का हिस्सा रह पाए हैं। दोनों साल 2000 में आई फिल्म मेला में साथ नजर आ चुके हैं। सैफ अली खान, सोहा अली खान। पटौड़ी खानदान के सैफ अली खान की डेब्यू के बाद से लगातार उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। बाद में उन्हें 1994 में आई फिल्मों ये दिल लगी और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से फेम हासिल हुआ। वहीं सैफ की बहन सोहा अली खान ने 2004 में दिल मांगे मोर फिल्म से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। सोहा अली खान कई फिल्मों का हिस्सा रही है, लेकिन उन्हें उनके भाई जितनी पॉपुलैरिटी कभी हासिल नहीं हो पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज, प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।